अभी देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज और मैं हूं आपके साथ नैंसी। हाल ही में एक बड़ी खबर सामने आ रही है और वो ये है कि बॉलीवुड के दबंग सलमान खान पर अब FIR दर्ज हो चली है। जी हां, एक बार फिर से सलमान खान पर काले बादल आ गए हैं, एक बार फिर से मुसीबतों में सलमान खान फंस गए हैं। दरअसल आपको बता दें कि हाल ही में जो खबर आ रही है वो महाराष्ट्र से आ रही है। जी हाँ, महाराष्ट्र का एक चैनल JK 24x7 की तरह से ये खबर सामने आ रही है उनकी तरफ से, जो ये कहा जा रहा है कि इस चैनल के पत्रकार को सलमान और सलमान के बॉडीगार्ड शेरा ने धमकाया है। जी हम यहाँ पर आपको एक बड़ी खबर से रूबरू करवा रहे हैं, जो कहा यही जा रहा है कि सलमान खान ने और उनके बॉडीगार्ड शेरा ने उस पत्रकार के साथ बदतमीजी की है। बदतमीजी के साथ साथ उस पत्रकार को धमकाया भी गया है। एक बार फिर से सलमान खान पर अब FIR दर्ज हो चली है, कई धाराएं भी सलमान खान पर अब तक लग चुकी है। क्या पूरा मामला है, किस तरीके से सलमान खान एक बार फिर से कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाएंगे, आप देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। हाल ही में बॉलीवुड एक्टर सलमान खान को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। जी हां, आपको बता दें कि सलमान खान जो है एक बार फिर से कानूनी पचेड़े में फंस गए। जी हां, एक पत्रकार ने उन पर और उनके बॉडीगार्ड पर बीच सड़क मारपीट करने, धमकाने और गाली देने का आरोप लगाया है, जिससे केस को दर्ज करवा दिया गया है। पत्रकार का नाम यहाँ पर हम आपको बता दें कि पत्रकार का नाम अशोक पांडे है, जो JK 24x7 न्यूज चैनल में काम करते हैं और महाराष्ट्र में इनका हेडक्वार्टर है। पत्रकार के वकील नीरज गुप्ता इस बात की पुष्टि कर रहे हैं और उन्होंने मुंबई के अंधेरी मेट्रोपॉलिटिकन मजिस्ट्रेट कोर्ट में सलमान के खिलाफ भारतीय दंड संहित धारा 323, 392, 426, 506 के तहत शिकायत दर्ज की है। अब इस मामले में जो सुनवाई होनी है वो 12 जुलाई को होगी, ऐसा कहा जा रहा है। हाल ही में आपको बता दें कि एक मीडिया हाउस से बात करते हुए पत्रकार के वकील ने बताया है कि घटना के वक्त ही उनके क्लाइंट यानी कि अशोक ने DM नगर पुलिस स्टेशन में लिखित शिकायत को दर्ज करवाया था, लेकिन सलमान का रोब और रुतबा देखते हुए पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं की। इसके बाद उन लोगों ने अंधेरी के लोअर कोर्ट में आपराधिक शिकायत याचिका दर्ज करवा दी है। सलमान खान एक बार फिर से मुसीबतों में फंस चुके हैं। सलमान खान पर मुश्किलों के बादल एक बार फिर से आ गए हैं। कोर्ट कचहरी के चक्कर अब सलमान खान दोबारा लगाएंगे। दरअसल आपको बता दें कि अशोक ने बताया है कि जब मैंने पहले लिखित में शिकायत दर्ज करवाई तो पुलिस ने लेटर का रिप्लाई ये करते हुए दिया कि ये कोई केस नहीं बनता। इसके बाद मैंने कोर्ट जाने का फैसला लिया। अब मामला क्या था आपको ये बताते हैं। दरअसल ये मामला 25 अप्रैल का है, जब सलमान अपने बॉडीगार्ड और कुछ लोगों के साथ रात में साइकिल से सैर करने निकले। उस वक्त अशोक अपने कैमरामैन के साथ कार से जुहू के कांदी वाली जा रहे थे। उन्होंने सलमान खान को देखा और उनका वीडियो बनाने लगे, लेकिन सलमान की नजर जैसे ही पत्रकार और कैमरामैन पर पड़ी तो उन्होंने उसका कैमरा छीन लिया और बाद में उसे धमकी देने लगे। अशोक के मुताबिक सलमान ने अपने बॉडीगार्ड की तरफ इशारा किया, जिसके बाद उन लोगों ने पत्रकार के साथ मारपीट की। अशोक पांडे का कहना है कि उन्होंने सलमान के बॉडीगार्ड से पूछने के बाद वीडियो बनाना शुरू किया था, इसके बावजूद उन लोगों ने मारपीट की और फोन छीन कर डाटा डिलीट करने की भी कोशिश की है। यानी कि सलमान खान यहां पर जिस तरीके से पत्रकारों के साथ व्यवहार करते हैं ये किसी से छुपा नहीं है। आप सभी जानते हैं कि कई बार सलमान खान थप्पड़ भी मार चुके हैं पत्रकारों को, और एक बार फिर से सलमान खान ने जिस तरीके की ऐसी हरकत कर दी है उससे यकीनन ही आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर सलमान के खिलाफ बगावत हो रही है। सलमान खान की ऐसी हरकत पर सलमान खान पर
फैंस जो हैं वो अपनी नाराजगी को जाहिर कर रहे हैं, क्योंकि एक पत्रकार को मारना और यही पत्रकार आपको अर्श से फर्श पर लेकर जाता है, यही पत्रकार है जो आपको कवर करता है। और ऐसे में पत्रकार के साथ इस तरीके का अपराध कहीं ना कहीं सलमान खान अब यहाँ पर मुश्किलों में फंस चुके हैं, मुसीबत उन पर आ गई है। देखना होगा कि सलमान किस तरीके से अब अपनी चुप्पी को तोड़ेंगे। दरअसल आपने देखा कि ये मामला 25 अप्रैल का बताया जा रहा है, जहां पर कहा ये जा रहा है कि सलमान खान अपने बॉडीगार्ड के साथ सड़क पर साइकिलिंग कर रहे थे, तो उस दौरान कोई पत्रकार आ जाता है और बॉडीगार्ड समेत सलमान खान भी यहां पर पत्रकार के साथ बदतमीजी करते हैं, गालियां तक दी गई हैं। आपने पूरी रिपोर्ट देखी किस तरीके से हमने यहां पर आपको धाराएं भी बताई हैं कि कौन कौन सी धाराएं जो है अब वो सलमान खान पर लग गई हैं, बॉडीगार्ड शेरा पर लग गई है, यानी कि ये मामला काफी ज्यादा ही गर्माता जा रहा है। कई बार अक्सर ऐसा हो जाता है कि चाहने वाले या फिर कैमरामैन पत्रकार जो है वो बड़े सितारे की तस्वीर लेना चाहते हैं, बड़े सितारे से बात करना चाहते हैं, मगर उसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी बड़ा सितारा इस तरीके की हरकत को करे। आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर सलमान खान के खिलाफ अब बगावती सुर उठ रहे हैं, सलमान खान को लेकर तमाम चीजें यहां पर कही जा रही हैं। खैर, देखना होगा कि FIR तो दर्ज हो चली है, क्या सलमान खान अब इस मामले पर अपनी चुप्पी को तोड़ते हैं, क्या कुछ वो यहां पर कहते दिखाई देंगे, ये देखना वाकई ही दिलचस्प रहेगा। फिलहाल आज के इस प्रोग्राम में बस इतना ही, पर हाँ, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।